अब समस्या तो ये है ना कि उसमें जो एलिजिबल का या जो कोर्ट के आदेश हैं कि जो रिक्तियां हैं उनका 10% पौड़ी कोटद्वार वाला रूट है, उसको भी वैकल्पिक चार धाम मात्र यात्रा के लिए यूज किया जा रहा है, और नेशनल हाईवे की तरफ से इस तरह की बात आई थी कि उसको भी ऑल वेदर से जोड़ा जाएगा पौड़ी से कोटद्वार श्रीनगर को, तो इसमें क्या प्रगति है सर? ये ठीक है, उसमें हमारा एक्चुअली वर्क सेंक्शन है इन प्रिंसिपल, जिसके तहत हम स्टेज वन के काम जैसे कि लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस के कामों कर रहे हैं। वर्तमान में लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत धारा 3G की विज्ञप्ति जारी होनी है, यानी कि उसमें जो हमने चिन्हित किए हैं जमीन और मकान जो डिजाइन के अंतर्गत आ रहे हैं हमारे, उसमें मुआवजे का निर्धारण करना है। ये कार्रवाई ADM स्तर से जो काला होते हैं सक्षम भूमि अध्याप्ति अधिकारी उनके स्तर से किया जा रहा है, और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी जो कार्रवाई है वो गतिमान है। तो सर ये कब तक काम शुरू होने की संभावना है? इसमें ये भूमि अधिग्रहण के बाद में इसकी DPR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी, और जैसे ही सेंक्शन कर देंगे उसके पश्चात इस पर काम करने की कार्रवाई की जाएगी। इसका निर्माण भी बिल्कुल ऑल वेदर रोड की तर्ज पर ही होना है, 2 लेन विद पेव शोल्डर, और ये एक वैकल्पिक यात्रा मार्ग भी हो जाएगा।